देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू टेक्सटाइल में, आज आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। इसमें है आपका लिलिन, ठीक है, यानी कि जिसे हम फ्लैक्स भी कहते हैं। तो लिलिन का तंतु, यानी कि जो लिलिन फाइबर होता है, वो सन यानी कि फ्लैक्स के पौधे से जो है प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसे फ्लैक्स तंतु भी कहा जाता है। यह सबसे प्राचीन तंतु माना जाता है। यूरोप में लिलिन के उद्योग की जो स्थापना है वो 18वीं शताब्दी में हुई थी, और लिलिन को हमेशा विलासिता का वस्त्र माना जाता है, और कुछ प्राचीन देशों में लिलिन को केवल धार्मिक त्योहारों पर ही उपयोग में लाया जाता है। यानी कि जो लिलिन था या जो लिलिन है, उसको एक तो विलासिता का प्रतीक माना जाता है, और इसको एक तरीके से शांति का प्रतीक भी माना जाता है, जिसको ज़्यादातर जो पहले टाइम में पूजा गृह में यूज किया जाता था, और जिसका जिसके बारे में जो चर्चा है वो बाइबिल में भी जो है की गई है। तो एक तरीके से जो लिलिन है वो विलासिता का प्रतीक माना जाता है, और इसको शुद्ध वस्त्र माना जाता है, जिसको धार्मिक त्योहारों पर भी उपयोग में लाया जाता है, जो कि शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। लिलिन का धागा लंबे सन के पौधे के तने से निकाला जाता है, यानी जो फ्लैक्स होता है, फ्लैक्स फाइबर होता है, वो सॉरी जो लिलिन फाइबर होता है हमारा, फ्लैक्स पौधे जो होता है, पौधे के तने से हमें प्राप्त होता है। यानी कि जब इसको लिलिन को प्राप्त किया जाता है, तो जब इसको इसकी तने हैं यानी जो जड़ें हैं, इसको बहुत नीचाई से या धरती में से जो है निकाला जाता है। अगर बीच में से अगर ये टूट जाता है, तो जो फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स एक तरीके से बीच में से टूट जाता है, तो कई बार ऐसा होता है कि वो लिलिन फाइबर जो है कम लंबाई का प्राप्त होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि इसको जो इसका फाइबर है उसको पौधे के तने से निकाला जाता है बहुत सावधानी पूर्वक। तो और यह तंतु तने के अंदर एक दूसरे से अच्छी तरह जकड़ा रहता है, यानी कि जो लिलिन फाइबर होता है वो एक दूसरे से बहुत अच्छे से जकड़ा हुआ होता है, और यह जुड़ाव जो होता है, यानी कि जिस जुड़ाव के कारण या जिस जॉइंट के कारण ये आपस में जुड़े रहते हैं, वो एक तरह का बूंद होता है जिसे, या एक सदृश पदार्थ होता है जो जिसे हम पेक्टिन कहते हैं। तो पेक्टिन के कारण ये दूसरे से जुड़े होते हैं, तो जो कि स्तन के तंतु का ठोस भाग बनाते हैं, यानी कि जो ठोस भाग बनाते हैं वो पेक्टिन होता है, और लिलिन के तंतु का आधार रूप जो होता है वो सेलुलोज पदार्थ से बना होता है। यानी कि जो लिलिन फाइबर होता है उसका जो बेसिक पदार्थ है या वो जिससे बना होता है वो सेलुलोज से बना होता है, यानी उसके अंदर पेक्टिन और प्लस सेलुलोज दोनों होते हैं, ठीक है। तो आगे में आगे जो हमारा टॉपिक है कि इसमें जो लिलिन की खेती है वो किस प्रकार होती है, ठीक है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, लेकिन इससे पहले हम इसकी पहले हिस्ट्री ऑफ लिलिन देखेंगे, यानी कि लिलिन का क्या इतिहास रहा है। तो लिलिन के वस्त्र का प्रयोग है जो वो अति प्राचीन काल से होता आ रहा है, यानी कि जो लिलिन फाइबर है या जो लिलिन फैब्रिक है उसका यूज़ काफ़ी पहले से या काफ़ी प्राचीन काल से जो है यूज होता आ रहा है। तो फ्लैक्स तने से प्राप्त इस तंतु से बने वस्त्र अपने विशिष्ट गुणों के कारण विशिष्ट महत्व रखते हैं, यानी कि फ्लैक्स जो तंतु है हमारा, उसमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कि फ्लैक्स में कुछ स्पेशल गुण विद्वान होते हैं। तो इसका उपयोग जो है यूरोप के व्यक्ति मछली पकड़ने के जाल में करते थे, यानी कि इसका यूज़ अलग अलग तरीके से है यूज़ किया जाता है, या इस फाइबर का जिस व्यक्ति को जिस चीज़ की एक तरीके से उपयोगिता होती है उसी के अकॉर्डिंग इसका जो है इसको बनाया जाता है, तो उसी या उसी हिसाब से उस वस्त्र का जो है निर्माण किया जाता है। तो इसका उपयोग यूरोप के व्यक्ति मछली पकड़ने के जाल में करते थे। करीब जो इसका यूज़ है करीब 5000 वर्ष पूर्व स्विट्जरलैंड की प्रागैतिहासिक आवासों में लिलिन वस्त्र के टुकड़े पाए गए हैं, यानी कि इसका यानी कि इसको बहुत प्राचीन काल में बहुत लंबे समय पहले इसमें कुछ ऐसी
बहुत प्राचीन काल से इसके कुछ सैंपल्स मिले हैं जो उसके माने जाते हैं कि लिन फाइबर जो है उसका जो यूज़ है बहुत टाइम पहले जो है यूज़ किया जाता था। तो बाइबल में भी लिन के बने वस्त्र, ये थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे, बाइबल में भी लिन के बने वस्त्रों का वर्णन किया गया है। तो बाइबल में लिन के बने वस्त्र पवित्रता का जो है प्रतीक माने गए हैं, शांति का प्रतीक माना गया है। तो पूजा ग्रह में पवित्रता के कारण लिन के बने वस्त्र पहने जाते हैं। और भारत में बौद्ध काल में बौद्ध भिक्षुकों को, वह जो साधु होते हैं, साधु के वस्त्र लिन के बनाए जाते थे। और इसका जो वर्णन है वो, यानी कि ये काफ़ी बहुत समय पुराना फाइबर है, तो इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी जो उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है कौटिल्य में लिन के वस्त्रों का वर्णन भी किया गया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसकी हिस्ट्री भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब आती है लिन की खेती, यानी कि कल्टिवेशन ऑफ लिन, यानी कि जो लिन की खेती है वो किस प्रकार की होती है, ये किस तरीके से की जाती है, या उसमें किस प्रकार की जलवायु का, मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। तो लिन की खेती के लिए भुरभुरी मिट्टी चाहिए होती है, नम जलवायु उपयुक्त होती है, और लिन का उत्पादन भी जो है दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, या दो उद्योगों हेतु किया जाता है। एक तो होता है किसी भी फाइबर की जब खेती की जाती है तो सिर्फ उसमें से रेशे का को प्राप्त करने के लिए उसकी खेती की जाती है, ठीक है। लेकिन जो लिन की खेती होती है उसके भी दो उद्देश्य होते हैं। एक तो होता है इसका उद्देश्य कि उसके एक तरीके से रेशे प्राप्त करना, और दूसरी चीज़ होती है इसके बीजों को प्राप्त करना। तो लिन की खेती के उद्देश्य दो हैं, जिसमें पहला है कि बीज प्राप्ति हेतु और तंतु प्राप्ति हेतु। तो जो फ्लैक्स बीज बोया जाता है, यानी कि जो बीज प्राप्ति हेतु बोया जाता है जी, यानी कि बोने का उद्देश्य यही होता है कि इनसे बीज प्राप्त करने हैं, तो उसे बीज पकने तक काट लिया जाता है, और उन बीजों में, यानी कि उन बीजों को इकट्ठा किया जाता है, और उन बीजों से जो है वार्निश, पेंट तथा उत्तम चमड़ा बनाया जाता है, यानी कि इनसे अलग अलग चीज़ें जो है बनाई जाती है। और जो दूसरा उद्देश्य होता है इसका, तंतु प्राप्ति के लिए, यानी कि फाइबर प्राप्ति के लिए, कि अलग अलग तरह के फैब्रिक्स को बनाना, या कई बार होता है फाइबर्स को कंबाइन करके आपस से मिक्स करके भी जो है अलग अलग तरह की फैब्रिक्स को बनाए जाते हैं। तो दूसरा उद्देश्य ये था कि इसको तंतु प्राप्ति के लिए, यानी कि इसको वस्त्र निर्माण के लिए बनाया गया। तो जिस फ्लैक्स को तंतु प्राप्ति के लिए बोया जाता है वो भी दो प्रकार के होते हैं, यानी कि जो इनके फूलों के ऊपर डिपेंड होते हैं कि किस प्रकार के फूल जो होता है वो बेस्ट क्वालिटी का माना जाता है, और कौन सा फूल किस चीज़ का संकेत है कि जिससे निम्न क्वालिटी के वस्त्र बनाए जाते हैं। तो तंतु प्राप्ति के लिए भी इसको बोया जाता है। जो है इसके दो उद्देश्य हैं, पहला तो होता है नीले फूल वाले, ठीक है, जिनके ऊपर नीले फूल आते हैं, तो इनमें प्राप्त जो रेशा होता है वो जिसकी किस्म होती है वो श्रेष्ठ किस्म का होता है, यानी कि बहुत अच्छी किस्म का वो तंतु होता है। और दूसरा जो है वो सफ़ेद फूल वाला होता है, यानी कि जो उसका फूल होता है वो सफ़ेद फूल होता है। तो इनसे जो प्राप्त रेशा होता है वो जो है वो मोटा और निम्न श्रेणी का होता है। देखिए, हर एक फाइबर का जब हम निर्माण होता है तो उसको जब फैब्रिक बनाया जाता है तो फैब्रिक भी अलग अलग उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं, या उनके प्रयोजन के अकॉर्डिंग की, यानी कि वो किस यूज़ के लिए बनाए जा रहे हैं, उनसे बने वस्त्र किस कार्य में यूज़ किए जाएंगे। तो इसी तरह जो अच्छी, यानी कि जो नीले फूलों वाला फाइबर प्राप्त किया जाता है उससे अच्छी किस्म के वस्त्र बनाए जाते हैं, और जो दूसरा होता है सफ़ेद फूल वाला उससे निम्न श्रेणी के, यानी थोड़े मोटे वस्त्र बनाए जाते हैं, या निम्न श्रेणी के वस्त्र बनाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा लिनन फाइबर होता है उसको हम डायरेक्ट एक तरीके से फूल से नहीं प्राप्त करते, वो सीधा हमें पेड़ों की तनों से प्राप्त किया जाता है। और जब हम इसको प्राप्त करते हैं तो इसको प्राप्त करने का भी अलग अलग मेथड होता है, यानी कि इसको एक तरीके से पहले जो है इसको पानी में गलाया जाता है लिन फाइबर को, उसके बाद ही आगे की प्रोसेसिंग की जाती है, जो मैं आपको जो है
जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, सॉरी जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊँगा।